बिग बॉस एक बार फिर से एक नए ट्विस्ट के साथ हाजिर हुए हैं घर वालों के बीच। इस बार बिग बॉस ने घर वालों से कहा है कि वो जिसे चाहते हैं कि वो कैप्टेंसी से वंचित रह जाएं, उन दो सदस्यों का नाम लें। बिग बॉस ने सभी घर वालों से कहा है कि जैसा कि घर की आज की हालात है, जैसे कि आपको राशनी को लेकर परेशानी हो रही है, उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं और किसे कैप्टेंसी से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाना चाहिए। सभी घर वालों ने आपसी सहमति के साथ रश्मि देसाई और विशाल का नाम लिया कि उन दोनों की गलती की वजह से उन लोगों ने ये जानबूझ के किया और आज ऐसे हालात है घर में कि खाने पीने की चीजें पूरी नहीं है। तो वहीं अरहान, रश्मि और शेफाली का मानना ये था कि सिद्धार्थ शुक्ला को ही वंचित कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतर कप्तान नहीं है और उनकी कप्तानी में उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए। इसके बाद पारस छाबरा ने सभी घर वालों की सहमति के साथ रश्मि देसाई और विशाल का नाम लिया। विशाल को सबसे ज्यादा वोट्स दिए गए कि उन्हें घर की कैप्टेंसी से निकाल दिया जाना चाहिए और वही दोषी है। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई को 7-7 वोट्स मिले थे। तो इस दौरान मामला इस तरीके से बढ़ा कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला में से किसी एक का चुनाव करना था और मेजोरिटी में सिद्धार्थ शुक्ला का चुनाव किया गया और इस तरह से कैप्टेंसी के लिए हमेशा के लिए बैन हो गए सिद्धार्थ शुक्ला और विशाल आदित्य सिंह। बिग बॉस के टेढ़े सीजन की और भी कई टेढ़ी खबरें यूं ही जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।